इसके इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जो सुविधाएं आपको बैंक में मिलती हैं वही सुविधा लगभग आपको इस ऐप में भी देखने को मिलेगी, जैसे चेकबुक का रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक की स्टेटमेंट निकालना हो, ये बहुत सारी सुविधा आपको इस ऐप में मिलेगी। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन इसे कैसे चलाया जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको लिखना है BOI लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने जो BOI मोबाइल याला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है याला ऐप, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में जैसे पहले से इंस्टॉल है तो इसे हम हमारे मोबाइल में ओपन कर लेते हैं। जैसे ऐप ओपन हो जाता है सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इसमें कुछ जानकारियाँ पढ़ने के लिए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करके इन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करेंगे। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, दोनों सिम आपके सामने आ जाएगी या एक सिम में जो भी आपके सामने आ जाएगी, जो आपका मोबाइल नंबर बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका है वाला आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाए, उस OTP को आपको आगे डालना है। जैसे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है, उसके बाद में कंफर्म आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपको एक यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। जब भी आप इस ऐप में लॉग इन करेंगे तो आपको यह यूजर आईडी देना पड़ेगा। यूजर आईडी आपको कैसे बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो यूजर आईडी इंस्ट्रक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ निर्देश दिखाई देंगे। इसमें लिखा हुआ है ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर आर अलाउड, यानी आप सिर्फ अल्फाबेट कैरेक्टर ही इसमें लिख सकते हैं, यानी A to Z जो भी अक्षर होते हैं वो आप लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लिखते, जैसे @ होता है, डॉलर का निशान होता है, इस तरह का जो भी स्पेशल कैरेक्टर होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में लिखा हुआ है कि आप अल्फाबेट कैरेक्टर से ही शुरू कर सकते हैं, जैसे आप अगर आप 1, 2, 3 ऐसा कोई सा भी अक्षर लिख के शुरू करते हैं तो वो आप नहीं बना सकते, पहले आपको अल्फाबेट कैरेक्टर देना होगा। उसके बाद में तीसरा लिखा हुआ है आप सतत नंबर या AAA या BBB या ABC या 1, 2, 3 या 111, इस तरह से जो भी होता है आप इस तरह का आप नहीं बना सकते। उसके बाद में आपको कम से कम 6 अंक और अधिक से अधिक 12 अंकों का ये बनाना होगा। किस तरह से बनाना होगा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का आपको बना देना है। ये बना देने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक इसलिए करना है, जो आपने ये यूज़र नेम बनाया है, ये यूज़र नेम से अगर किसी और ने आप बना रखा होगा तो आपके सामने कुछ और दूसरे यूज़र नेम खुलकर आ जाएंगे। अगर ये यूज़र नेम से किसी ने नहीं बना रहा आगे हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ यूज़र नेम खुलकर आ जाते हैं, अगर आप इनमें से कोई सा सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका दूसरा यूज़र नेम आप कोई सा और बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। हमारे उसमें लिखा हुआ आ रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी ये यूज़र नेम से पहले से बना हुआ है। अब हम कोई सा और यूज़र नेम बना सकते हैं, इसके सामने हम कुछ भी 1, 2, 3 जो भी हम लिखेंगे वो लिख देंगे, पर ऐसा लिखना है जो आप बाद में याद रख सकते हैं। यूज़र नेम बना लेने के बाद हमको एक लॉगिन पिन डालना होगा। लॉगिन पिन किस तरह का बनाना है आप वो भी इसमें लिखा हुआ है, बहुत तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ आप ये यूज़र लॉगिन पिन जो है 6 अंकों का आपको बनाना होगा। उसमें आप 0 से शुरू नहीं कर सकते, उसके बाद में आपको जैसे एक जैसे नंबर, जैसे इसमें लिखा है 219219, मतलब एक जैसा अंक आप नहीं लगा सकते, जैसे 123755 इस तरह के भी आप नहीं लगा सकते। उसके बाद में आप 123456 मैंने सतत क्रमांक होते हैं वो भी आप नहीं लगा सकते, इस तरह का आप नहीं दे सकते। उसके बाद में किस तरह से देना है वो हम आपको बताते हैं। 6 अंकों का आपको कोई भी एक नंबर जो भी होता है आप वो अंक दे सकते हैं। ऊपर यहाँ डालने के बाद आपको री एंटर लॉगिन पिन, वापस से जो आपने 6 अंक का एक पिन बनाया है वो पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगला पेज खुल जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें आपको सिलेक्ट कस्टमर आईडी करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कस्टमर आईडी है बैंक में होती है वो यहां पर आ जाएगी, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमर आईडी आप यहां पर आ जाएगी, इस पर आपको टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। कस्टमर आईडी सिलेक्ट हो जाने के बाद आपसे आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपका सिर्फ जो एक अकाउंट है वही अकाउंट आपके सामने खुल जाएगा, आपको उसे सिलेक्ट करना है और अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही फॉर इनेबल फाइनेंशियल सर्विस कीप रेडी विथ योर डेबिट कार्ड ऑन क्लिक प्रोसीड बटन, यानी आप अपने फाइनेंशियल सर्विस को चालू रखने के लिए प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका ATM की कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जो भी आपका बैंक ऑफ इंडिया का ATM है उस ATM की आपकी जानकारी यहाँ पर डालना होगी। तो हम प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते हैं। ATM का जो कार्ड नंबर होता है वो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना, उसके बाद में एक्सपायरी डेट DD और YY यानी जो एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में ATM का आपका जो पिन है वो पिन भी आपको यहाँ पर डालना होगा। ये डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि ये मैंने सब कुछ डाल दिया है, अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ डालना है। अगर OTP आने में कुछ टाइम लगता है या OTP नहीं आता है तो आपके सामने एक ऑप्शन है रिसेंट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP आ जाने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको OTP वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहां पर एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड का मतलब होता है अगर आप कोई सा भी इससे लेन देन करते हैं, जैसे आप किसी को पैसे भेजते हैं या अपना मोबाइल का रिचार्ज करते हैं या अपना बिजली का बिल भरते हैं, कोई सा भी आप ऑनलाइन इससे वाले ऐप से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वाला पिन आपको यहाँ पर डालना होगा, ये वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। पासवर्ड किस तरह से बनाना है, इसमें लिखा हुआ 1 अपर केस लेटर यानी A से लेकर Z तक का जो भी कैपिटल लेटर होते हैं वो उनमें से आप कोई सा अक्षर ले सकते हैं, उसके बाद में स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं और 0 से 9 तक जो भी न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो ले सकते हैं। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते और इसमें मैक्सिमम लेंथ है 8 अंक की, 8 से कम का नहीं बनाना है और 16 अंक से ज़्यादा का नहीं बनाना है। दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं किस तरह से आपको बनाना, कुछ इस तरह का आपको बनाना है। यहाँ पर इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में कन्फर्म वापस एक बार और डालेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा पासवर्ड कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद में लॉगिन टू mBanking पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपने जो शुरू में user ID हमने जो आपको बताया था, user ID जो आपने बनाया था वो वाला user ID आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में आपने जो इसका लॉगिन पिन बनाया था लॉगिन पिन आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद में लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होती है और हमारा ये पेज पूरा खुलकर आ जाता है। इसमें सब तरह की जानकारी, अकाउंट की जानकारी आ जाएगी, पासबुक किया जाएगी, क्यू डाटा बैलेंस, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, सब तरह के बिल भरने का ऑप्शन, फंड ट्रांसफर का बहुत सारे ऑप्शन इसमें है, रिक्वेस्ट सर्विस यानी आप अपनी चेकबुक या कुछ और बुलाना चाहते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन इसमें खुलकर आ जाते हैं। अभी अगले वीडियो में हम आपको इसमें बता देंगे कुछ और ऑप्शन क्या क्या इसमें आते हैं, जैसे आप अपनी पासबुक को किस तरह से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी इसमें जानकारी सब फैकल्टी है। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके सभी पर एक एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको सभी जानकारी आसानी से मिल सके। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक ऑफ इंडिया का पूरा स्टेटमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से PDF में निकाल सकते हैं और अपने मोबाइल में आप या किसी को भी आपको सेंड करना तो आप उसे भेज सकते हैं। और ये वीडियो आपका कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कीजिए एक लाइक, आपकी कोई भी हेल्प होती हो इस वीडियो से तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।